देवास जिला प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब उसी कड़ी में एक बार फिर खनिज विभाग ने ग्राम बांगर में अवैध उत्खनन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में विभाग ने एक पॉकलेन मशीन व दो डंपर जब्त किए हैं। देखिए रिपोर्ट। देवास जिले में पिछले कई दिनों से ग्राम बांगर के तालाब में अवैध रूप से उत्खनन चल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही खनिज विभाग ने अपनी सक्रियता दिखाई और तुरंत आनन फानन में अधिकारियों से अनुमति प्रदान कर अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां कार्रवाई में विभाग ने एक पॉकलेन मशीन एवं दो डंपर जब्त किए और उत्खनन पर रोक लगवाई। मुझे गत 2 दिवस से ग्राम बांगर तहसील देवास की मिट्टी के अवैध परिवहन की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी तारतम्य में आज दिनांक को हम मौके पर उपस्थित हुए। मेरे साथ हमारे क्षेत्र के फील्ड ऑफिसर भी साथ में हैं और खनिज का पूरा अमला है। हमें रास्ते में आते वक्त दो काली मिट्टी के डंपर मिले, उन्हें हमने थाने पर पहुंचाए हैं और फिलहाल मौके पर ये जेसीबी जब्त की है। लखन जाट का नाम सामने आया है। दो दिन पहले प्राप्त हुई थी, क्योंकि ये एरिया पूर्व में जो देवास उज्जैन मार्ग बना है, इसमें यहाँ पर गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूर्व में परमिशन जारी हुई है, तो वो भी खुदाई के निशान है। हाँ, जहाँ मौके पर खड़े हैं वहाँ पर फिलहाल तो है नहीं। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उज्जैन देवास मार्ग जब बना है तो टेम्पररी परमिट समय समय पर जारी हुए हैं और वहाँ पानी भरा है, खुदाई के निशान नहीं है वहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो देवास जिले में अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी इस पर अंकुश लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, देवास।